अग्निपथ योजना देशातल्या युवकांचं भविष्य लक्षात घेऊन घेतलेला निर्णय आहे असं संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग यांनी म्हटलं आहे। या योजनेमुळे युवकांना देशसेवा करण्याची संधी उपलब्ध होईल असंही त्यांनी स्पष्ट केलं। अग्निपथ योजनेसाठी भरती प्रक्रिया येत्या काही दिवसात सुरू होईल, युवकांनी शांतता राखावी असं आवाहन संरक्षण मंत्र्यांनी केलं। केंद्र सरकार द्वारा घोषित की गई अग्निपथ योजना भारत के नौजवानों को देश की रक्षा व्यवस्था से जुड़ने और देश की सेवा करने का एक सुनहरा अवसर देता है। अग्निवीर हूं यह उनकी ताजिंदगी के लिए पहचान बन जाती है। पिछले दो साल से सेना में भर्ती की प्रक्रिया न होने के कारण बहुत से नौजवानों को सेना में भर्ती होने का अवसर नहीं मिला, यह सच्चाई है। इसलिए युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी के अनुमोदन पर सरकार ने फैसला किया है कि अग्निवीरों की भर्ती की आयु सीमा को इस बार बढ़ाकर 21 से 23 वर्ष कर दिया जाए। यह वन टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है। इससे बहुत सारे नौजवानों को अग्निवीर बनने की पात्रता स्वतः मिल जाएगी। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि भर्ती प्रक्रिया कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने जा रही है। मैं सभी नौजवानों से अपील करता हूं कि सेना में भर्ती होने की वह तैयारी करें और इसका पूरा लाभ उठाएं। अग्निपथ योजनेमुळे युवकांना देशाची सेवा करण्याची संधी मिळेल, या योजनेच्या माध्यमातून कौशल्य आधारित रोजगार उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचं माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी ट्विट संदेशात म्हटलं आहे।